ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूट्यूब सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूट्यूब में आ जाता हूँ, देन फिर सर्च आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक कोई वर्ड सर्च नहीं किया है। देन फिर मैं यहाँ पर सैमसंग वर्ड जो है वो सर्च कर लेता हूँ। देन फिर सर्च करने के बाद फिर से हम जो है वो सर्च हिस्ट्री पर ट्रिक कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि सर्च में हमारा जो है वो सैमसंग आ चुका है। और अगर आप सिंगल सिर्फ सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे सैमसंग वाले आइकन पे कुछ सेकेंड के लिए टिक करके रख लेता हूँ, होल्ड कर देता हूँ। देन फिर आप देख सकते हैं कि रिमूव का ऑप्शन जो है वो आ चुका है। देन फिर मैं यहाँ पे रिमूव वाले ऑप्शन पे टिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैमसंग अभी मैंने सर्च किया था और वो डिलीट हो चुकी है। तो अगर आप सिंगल वाइज सिंगल करके हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑल टाइम की वॉच एवं सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको बैक आ जानी है, उसके बाद यहाँ पे YouTube के होम पेज पे आना है। देन फिर नीचे के साइड में यू यानी कि अकाउंट का ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर क्लिक करना है। देन फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें दोस्तों ऊपर में राइट साइड में कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, सेटिंग के ऑप्शन पे आपको टिक करना है। देन फिर सेटिंग के ऑप्शन पे टिक करने के बाद मैनेज ऑल हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, फिर हमें मैनेज ऑल हिस्ट्री पे क्लिक करना है। मैनेज ऑल हिस्ट्री पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारा आ जाता है जिसमें दोस्तों तो डिलीट का ऑप्शन दिया गया। देन फिर हमें डिलीट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। देन फिर आपको एक न्यू पेज आ जाएगी जिसमें डिलीट टुडे हिस्ट्री एवं डिलीट ऑल टाइम हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया। टुडे हिस्ट्री पे अगर आप टिक कर दो तो उस दिन जो भी आपने सर्च किए हैं वो सभी के सभी डिलीट हो जाएंगे, और ऑल टाइम हिस्ट्री पे आप टिक करते हो तो आपके सभी हिस्ट्री जो है वो डिलीट होने वाले एवं वॉच हिस्ट्री भी। देन फिर मैं ऑल टाइम हिस्ट्री पे टिक कर देता हूँ और नीचे में आप देख सकते हैं कि डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। देन फिर हम डिलीट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद अब हम यूट्यूब के पेज पे आ जाते हैं। देन फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि वॉच हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो चुकी है। सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे सर्च हिस्ट्री भी जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आसान वे में सर्च एवं वॉच हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।